हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं भाई? सब ठीक है? बढ़िया है। तो आज जी ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया वर्सेस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवारे चीन और दीवारे ग्रीन, ऐसे ही होगा। बिल्कुल तो चलें देखते हैं जी कैसी है दीवार ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ये कौन सी वॉल है वैसे इंडिया की? जी कभी सुना नहीं है वैसे, फर्स्ट टाइम सुना, फर्स्ट टाइम देखने लगे। फैक्ट भाई, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसकी झलक अंतरिक्ष से भी दिखती है। जिसे देखने आज भी 10 मिलियन लोगों की सालाना भीड़ जमा होती है, पर अब और नहीं, क्योंकि ये सारी भीड़ अब जल्दी उससे भी बड़ी इंडिया की ग्रीन वॉल को देखने के लिए मुड़ने वाली है। और क्यों ना हो, इस ग्रीन वॉल के बनने से न सिर्फ प्रदूषण बल्कि रोजगार की महामारी भी एक झटके में दूर होगी। पर जहां इंडिया इतनी बड़ी सोच रखता है, वहीं क्या इसका पूरा हो पाना मुमकिन है? क्योंकि जिस अफ्रीकन कंट्री से इंस्पायर होकर हम ये वॉल बना रहे हैं, उसने खुद 2.5 बिलियन घटा करके अपना प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया है। पर इंडिया तो परेशानी शुरू से ही आने लगी, और इसका कारण है अरावली माइनिंग माफिया, जिससे लड़ते लड़ते पहले 31 पहाड़ गायब हो गए और फिर कई ऑफिसर्स को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ग्रेट ग्रीन वॉल से अब भारत उससे भी भिड़ने को तैयार है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। सोचो, आपको आधा पैकेट सिगरेट पीने या दिल्ली की हवा में सांस लेने का ऑप्शन मिले तो आप किसे चुनोगे? आपने अपना जवाब चुन लिया? वेल, आपने कोई भी जवाब चुना हो, लेकिन फैक्ट ये है, दिल्ली की हवा में सांस लेना आधा पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। और इसकी एक अहम वजह है थार के रेतीले तूफान, जो थार रण 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति का अहम हिस्सा था, वो पिछले 20 सालों में तेजी से दिल्ली के साथ भारत के कई हिस्सों में फैल रहा है। और तो और, इसी सब के कारण दिल्ली दुनिया की नंबर वन पॉल्यूटेड सिटीज का हिस्सा है। मगर इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दिल्ली को भी ताजी सांसें मिलेंगी। और भाई लोग, अरावली में बन रही ये वॉल सिर्फ दिल्ली के लिए फायदेमंद नहीं है, इससे भारत में रह रहे 11 करोड़ किसानों की जिंदगी भी छिंगालाला हो जाएगी। क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान वृक्षारोपण करेगा, पर इसके साथ झरने, साफ पानी और फर्टिलाइज जमीन का इंतजाम भी करेगा। और इसरो के मुताबिक गुजरात, हरियाणा और दिल्ली जैसे स्टेट में 50% तक की जमीन डिग्रेड यानी उजाड़ हो चुकी है, तो ग्रीन वॉल उसका भी हल लेकर आएगा और फार्मर्स को नई जमीन पर खेती करने का मौका देगा। पर अब भी ये सवाल बरकरार है कि ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया है क्या? तो भाई लोग, ये प्रोजेक्ट और कुछ नहीं, 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट, बोले तो पेड़ पौधों का जंगल होगा। थार डेजर्ट से आने वाले रेत को हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और अरावली पहाड़ों के आगे जाने से रोकेगा। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक फैले ग्रीन वॉल का सबसे बड़ा मकसद हमारी बंजर जमीनों को वापस जिंदा करना है। अब बंजर जमीन सिर्फ पेड़ लगाने से जिंदा नहीं होगी, राइट? उसके लिए सबसे जरूरी है पानी। प्रोजेक्ट के दौरान 75 वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के साथ 6 महीने पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द 10 करोड़ में 60 जितनी झील और कुएं बनाने की खबर दी थी, जिससे बंजर हो रही जमीन को अभी और आगे भी पानी मिलता रहे। पर इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन शहरों का नाम सुनकर ये मत सोचना कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं। प्रोजेक्ट की कामयाबी से अरावली पहाड़ों के 5 किलोमीटर रेडियस में आने वाली जमीन फिर से उपजाऊ होगी, पर इससे इंडिया के 2030 तक डिग्रेडेड लैंड को बेहतर करने का सपना पूरा होगा। साथ ही 2.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज कम और एब्सॉर्ब ज्यादा करने का काम भी पूरा होगा। बेसिकली प्रोजेक्ट एक, लेकिन इससे जमीन उपजाऊ होगी, अरावली में बस्ती डाइवर्सिटी बचेगी, पानी की सुविधाएं बढ़ेंगी और क्लाइमेट भी सुधरेगा। पर ये तो हुई नेचर के फ्यूचर की बात, मगर आपका क्या? तो ध्यान से सुनिए, इस प्रोजेक्ट से आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इस एम्प्लॉयमेंट को आप तक पहुंचने से रोक सकता है एक माफिया, अरावली का गैर कानूनी माइनिंग माफिया। और ये माफिया पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है। इसे ना सिर्फ अरावली के पेड़ काटे गए, पर इलीगल माइनिंग के चलते 128 अरावली पहाड़ों में से 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। और इसी का मुकाबला करने सरकार ने इन माइनिंग कंपनीज को सरकारी नोटिस भेजा था, लेकिन उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। इनफैक्ट वहां बसने वाले माफिया गैंग ने कई पुलिस ऑफिसर्स की हत्या की और सिक्योरिटी गार्ड को भी मार भगाया है। और जब उस गैंग का खुलासा हुआ तो उसमें 60 लोग पकड़े गए, पर फिर भी माफिया नहीं रुका। वहां के गिरदारी सिंह का कहना था कि अगर पहाड़ तोड़कर घर नहीं बनाएंगे तो उसका क्या फायदा, मगर इन भाई साहब को कौन समझाए कि चाहे इससे आज घर बन जाएगा पर आगे आने वाली जनरेशन उजड़ सकती है। लेकिन फिर भी उन्हें मद्देनजर
नजर रखकर सरकार ने 33% अरावली का फॉरेस्ट एरिया माइनिंग कंपनीज को दे डाला। वही गैर कानूनी होने वाली माइनिंग को रोकने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सरकार ने ऐसे ढांचे तैयार किए जिससे वहां सिर्फ लीगल माइनिंग कंपनीज काम कर सकें। और भाई लोग, अगर इंडिया की ग्रीन बेल्ट वॉल बन गई और गैर कानूनी माइनिंग भी जारी रहा तो ग्रीन वॉल की सक्षमता जितनी सोची थी उससे काफी कम होगी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि सरकार ने इस माफिया को हरा दिया, तो क्या फिर भी इस वॉल के ना बनने के चांसेस हैं? तो सुनिए, जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का रीमेक हिट नहीं होता तो फ्लॉप फिल्म का कैसे होगा? नहीं समझे? वेल फैक्ट भाई का मतलब है अफ्रीका का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिससे इंस्पिरेशन लेकर इंडिया ने नॉर्थ वेस्ट और आसपास की जगहों को रेगिस्तान बनने से रोकने की मुहिम शुरू की है, वो खुद फ्लॉप है। अफ्रीका का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 8000 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट था, लेकिन 2007 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब तक सिर्फ 15-18% ही कम्प्लीट हो पाया है। और भले इससे 10 मिलियन जितने जॉब अब तक क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस $30 बिलियन की जरूरत थी उसका सिर्फ $2.5 बिलियन ही इकट्ठा हो पाया। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया एक फेल्ड प्रोजेक्ट पे अपने करोड़ों लगा रहा है? नॉट एग्जैक्टली। चाइना गोबी डेजर्ट को फैलने से रोकने के लिए 1978 में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था जो 2050 में पूरा होगा, और उनका प्रोजेक्ट भले दशकों बाद पूरा हो, लेकिन 1978 से 2017 तक इस प्रोजेक्ट के चलते चाइना के इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 5% कार्बन सिंक हर साल शुरू हुआ है, और इसके चलते ग्रीनलैंड भी बढ़ा है। यही नहीं, आसपास के इलाकों में आने वाले रेतीले तूफान भी 2014 में 20% कम हो गए थे। यानी फिलहाल तो प्रोजेक्ट के 50% सक्सेसफुल और 50% अनसक्सेसफुल होने के चांसेस है। हम चाइना के ग्रेट वॉल का एग्जाम्पल फॉलो करने में कामयाब रहे तो अरावली और देश को बचाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जहां अफ्रीका का फेल्योर और चाइना के सक्सेसफुल ग्रीन वॉल का एग्जाम्पल है, वहीं इंडिया के सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, पैसा। और भाई लोग, इस वॉल में 135 करोड़ ट्रीज का प्लांटेशन होने जा रहा है, जिसमें अगर एक पेड़ की कीमत 250 समझे तो इस हिसाब से पूरे 135 करोड़ पेड़ों के लिए 33,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्लांटेशन के साथ सालाना मेंटेनेंस जोड़ा जाए तो ये रकम और ऊपर चली जाएगी। और इसके बावजूद जैसा पर्यावरण चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो 2050 तक भारत की राजधानी को 2.75 ट्रिलियन का नुकसान होगा। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का ही नहीं, नेचर का भी होगा। बढ़ता कार्बन लेवल एग्रीकल्चर के लिए जमीन बर्बाद करेगा, फॉरेस्ट एरिया को कम करेगा और गर्मी बढ़ा देगा। पर क्या इस सब के बावजूद इंडिया ये रिस्क लेना चाहेगा? वेल, इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने नेचर को लेकर 17वीं सदी से आंदोलन शुरू कर दिए थे, चाहे फिर वो विश्नोई समाज के पेड़ बचाओ का नारा हो या फिर टेरी नदी पर डैम ना बांधने का आंदोलन हो। आज भी इंडिया 26% हरियाली से घिरा है, यानी 7वें बड़े देश होने के बाद भी इंडिया ने अपनी ग्रीनरी कायम रखी है। पर अब इस रुतबे को बरकरार रखने के लिए भारत को अरावली के माइनिंग माफिया से टक्कर लेनी ही पड़ेगी, जो पेड़ काट कर सरकार को चकमा देने और गरीब किसानों से खरीदी जमीनों को 1 करोड़ का 1 एकड़ के भाव में बेचने से बाज नहीं आए। पर अगर अब ये सब नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे पुराने फोल्डेड पहाड़ अरावली के 31 नहीं हम सारे पहाड़ खोदेंगे। इसीलिए जितना लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है उतना ही कानून सख्त करने की भी, और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो पर्यावरण को और नौकरियां देकर इंसानों को बचाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ हैं तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक इंसान के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ नॉर्थ इंडिया का नहीं पूरे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। और आज जिस भारत देश की तारीफों के पुल मान रहे हैं उसके बारे में तालिबानी क्या सोचते हैं, जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ओके, हाँ जी, तो कैसा था? मतलब ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया जो बनेगी एक रिस्क भी है, लेकिन ये है कि जरूरी भी है, फायदे भी बिल्कुल। देखा जाए तो बेनिफिट ज्यादा है और जरूरत भी ज्यादा है, बिल्कुल। कि एक जिस तरीके से सहरा जो है वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं सारे इलाके को, और ग्लोबल वार्मिंग कह लें या आप मौसमियाती तब्दीलियां कह लें, जो कि दरख्तों के काटने से रोनमा होती है, और दरख्त जिस तरीके से कम हो रहे हैं, और माफिया का हर तरफ यही हाल है भाई, दरख्त ऐसे काटे जा रहे हैं कि आप चेंजेस देखेंगे कितनी आ गई हैं। आज से 5 साल पहले और आज मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल आप देखें कि स्नोफॉल देखें, बारिशें देखें कि कितनी कम हो गई हैं और पहले कितनी ज्यादा होती थी। और उसकी रीजन ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें हम
उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर एक देश को खाली इंडिया को नहीं सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर हम सबको बिल्कुल सभी देशों सोचना को जो है पड़ेगा वो मतलब। देश सोचना होगा, और इसके ऊपर हर देश जो है ना उसको कुछ रूल्स जो है वो लागू करने होंगे, स्पेशली ट्रीज को काटने वाले का। ये जो बिल्कुल ट्रीज इतने काटे जा रहे हैं, देखें अब ट्रीज का इस्तेमाल हर जगह पर मतलब होता है, फर्नीचर्स में मतलब लकड़ी में बहुत सारी चीज़ों में, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और इतनी क्विकली आप काटोगे तो फिर मतलब कितनी जल्दी चेंजेस आएंगी वो भी देखना होंगी। बिल्कुल तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अब इंडिया जो है अभी वो ट्रीज वहाँ पर जैसे ग्रीन वॉल जो है वो बनेगी इंडिया में, तो उससे नेचुरल काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होगा, बिल्कुल टूरिस्ट अट्रैक्शन तो होगी हाँ होगी, जी और बिल्कुल टूरिस्ट भी आएंगे उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, कंट्री की जो जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ रेट आएगी, बिल्कुल और बाकी ये है कि काफ़ी इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट बिना किसी रिस्क के क्या होगा फ्यूचर में, अफ्रीका में क्या हुआ या नहीं हुआ उसको बिना सोचे हुए इसके ऊपर काम जो है मेरे ख्याल में शुरू शुरू कर करना है देना कर चाहिए, देना और बिल्कुल हाँ बनता बिल्कुल है इसको बनना चाहिए, और गुड डिसीजन है, अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल का। तो चले जी, बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।